हेलो बच्चों, आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर एक मुकुट बनाएंगे कृष्ण जी का, जिसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक गत्ता, जो कि आपके पास बॉक्स होंगे, चाहे मिठाई का डब्बा हो या फिर किसी भी कुछ कपड़े वगैरह आते हैं ऐसा बॉक्स। ये देखिए, ये मेरे पास ये बॉक्स था तो इसका मैंने पीस काट लिया है। आप पुरानी जो आपकी नोटबुक्स हैं या बुक्स हैं उनका कवर भी ले सकते हैं। ये ऊपर का जो इसका ये गत्ता होता है, ये आप यूज कर सकते हैं मुकुट बनाने के लिए। फेविकॉल की जरूरत होगी आपको, एक कलर कोई भी कलर ले सकते हैं, यहाँ मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। सीजर की जरूरत होगी और कोई भी आपके पास रिबिन हो तो वो यूज कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए आपके पास लेसेस हो तो वो यूज कीजिए, पुरानी होंगी, पुराने कपड़ों में भी लगी होती हैं तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ मोती की जरूरत होगी, जो भी आपके पास स्टोन की बिंदी हो या जो भी है घर में आपको अवेलेबल वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें दो होल करने होंगे जिसमें कि हमें रिबिन बांधने होंगे, तो उसके लिए आपको छेद करने के लिए पंचिंग मशीन की जरूरत होगी। चाहे तो आप किसी नकली चीज से भी छेद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम इस तरह से कर्व लाइन करेंगे और ऊपर की साइड इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मैं डार्क कर देती हूँ। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके फिर से जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया था उसी तरह से हम इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ होल के लिए हम पॉइंट लगा देते हैं, इसको अब हम सीजर से कट कर लेंगे। से हम इसको कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर पेंट करेंगे। इसके हम कलर करेंगे। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पंचिंग मशीन से यहाँ पर होल कर लेंगे। एक यहाँ, अगर पंचिंग मशीन नहीं है तो आप किसी मोटी सुई से या फिर पेज कुछ वगैरह होता है उससे भी आप इसमें होल कर सकते हैं। इस तरह से होल हो जाएंगे इसमें तो हम ये जो डोरी है हमारी मेरी बिन जो भी आप लेंगे इसमें डालेंगे और एक इसमें डाल देंगे। यहाँ पर इसको हम इस तरह से पीछे की साइड ले लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी डोरी भी इसमें बांध देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे। आपके पास जैसी भी लेस वगैरह है, अगर लेस भी नहीं है तो आप स्टोन की बिंदी भी यहाँ पर लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास पुरानी लेस पड़ी थी तो वो मैं इसमें यूज कर रही हूँ। इस तरह से ग्लू लगा के, ये देखिए पुरानी लेस है जो कि एक कपड़े पे लगी हुई थी जो मैं इसको यूज कर रही हूँ।
से इसको कट कर लेंगे। इसको सूखने देंगे। आपके पास जैसे भी स्टोन की बिंदी वगैरह रखी होगी तो आप इसमें यूज कीजिए। जो भी स्टोन की बिंदियाँ बच जाती हैं मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, चाहे वो थोड़ी बहुत ही हो मैं उन्हें एक डिब्बे में पैक करके रख लेती हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए। आप इस तरह से मेडल भी लगा सकते हैं। स्टोन की बिंदियाँ लगाएंगे, जिस शेप में है उसी शेप में हम इसको इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे इसको। और लास्ट में हम यहाँ पर एक मोर पंख लगा देंगे। मोर पंख चाहे तो आप अपने हाथ से भी बनाकर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक कृष्ण जी के लिए सुंदर सा मुकुट तैयार है।